हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BCS 12। BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर भी, मतलब आप देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट यहाँ पर एक मैट्रिसेस दी है, उसके अंदर वैल्यू है 2, 3, -1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसको एक फंक्शन की तरह दिया है, f(x)(x²-4x+7, सो दैट f(a)=0, 0। ये तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, नल मैट्रिसेस है ऑर्डर 2x2 की। यूज़ दिस रिजल्ट टू फाइंड f(5)। ठीक है, हमें ये करना है, इस रिजल्ट को यूज़ करना है, और मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना उसको यूज़ करके हमें f(5) की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, फर्स्ट वी नोट दैट जो f(a) है ना उसको हमने क्या करना है, इससे एक्सचेंज कर देना है, a²-4a+7i2। ठीक है, i2 का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो, जहाँ पर भी x है ना, यहाँ पर इस x को हमने किससे रिप्लेस करना है, a से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a²-4a+7। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया f(a)=a²-4a+7i²। ठीक है, अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इससे पहले ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है दो मैट्रिक्स का, हम उससे उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वैसे अभी हम इसमें भी करेंगे। तो a²=a+a×a। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि अगर हमें 4 बताना है तो 4 को लिखना है, तो 4 को हम 2×2 भी लिख सकते हैं, 2×2 करोगे तो क्या आएगा, 4। ऐसे ही a² क्या हो जाएगा, a×a। ठीक है, यानी कि इसको आप 2² = 2×2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमने दो मैट्रिसेस ली, यानी कि a की मैट्रिक्स 2, 3, -1, 2, 2, 3, -1 और 2। अब यहाँ पर 4a है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 को हम इसके अंदर जितने भी मैट्रिसेस हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, -1 और 2 से। ठीक है, प्लस 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर आपको 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है। ठीक है, तभी तो आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, है ना। अगर यहाँ पर मान लो कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की रख दी तो आप इन सबको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ऑर्डर भी देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमें क्या देखना होता है, रो, और इसका हमें देखना होता है इधर से कॉलम। तो अगर यहाँ का रो यानी कि अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या है हमारे पास, 2×2 की मैट्रिक्स, ये क्या है, 2×2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 इसका रो जो है वो है 2, और इसका कॉलम अगर मैच करता है तो हमें पता भी चल जाता है कि यहाँ पर जो क्या है हमारी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 2×2 की बनेगी। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पर कॉलम और अगर रोज अलग हैं तो वो आपको इसमें ऑर्डर मैच करके फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2×2 = 4 और 3×-1 = 3। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आने वाला है, उसके बाद 2×3, ठीक है, 6, फिर 3×2 = 6। ठीक है, उसके बाद -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2, फिर इस -1 इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2, फिर इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -3, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन लगाया, अब इस 4 को ना इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4×2 = 8। ठीक है, 4×3 = 12 और 4×1 = 4 और 4×2 = 8। ठीक है, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर भी हमारा 1 है वहाँ पर 7 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या करना है, अब इसमें देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इस माइनस से हम क्या कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करो, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 6 और 6 = 12 होते हैं, 2 और 2 = 4 हो गए। ठीक है, और 3 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1-8। ठीक है, 1 इधर से लिखा, -8 इधर से आ गया, 7 इधर से आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद 12 यहाँ से आया, ये वाला 12 यहाँ से आया, माइनस का 12। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद में ये वाला 0 यहाँ आ गया, 1
ठीक है, और उसके बाद में माइनस एट और ये सेवन, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर और ये सेवन और वन कितना हो गया एट, एट माइनस एट कितना होता है जीरो, ठीक है। इस तरह से बाकी सब, यानी कि ट्वेल्व में से ट्वेल्व गए तो जीरो, और फोर में से फोर गए तो जीरो, उसके बाद एट और वन कितना, सॉरी सेवन और वन कितना हो गया एट, और माइनस एट कितना हो गया जीरो। तो ये आपको मिल गया नल मैट्रिक्स टू बाय टू का, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, देखो अब यहाँ पर आया कि ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस सेवन आई स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, फोर ए माइनस सेवन आई स्क्वायर, सॉरी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर टू की, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रखा, अब इसके बाद में हमें पता है कि जब हम ए क्यूब की बात करें तो ए क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, इस जो ये ए है, ए स्क्वायर की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एट यहाँ से आ जाएगा ना, एट ए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वेंटी एट आई टू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है सेवन, ठीक है, माइनस का सेवन ए, तो एक मिनट हम कुछ गलती करें, सिक्सटीन होगा, फोर फोर जो सिक्सटीन, ठीक है। इस सिक्सटीन में से सेवन गए तो आपके पास कितना बचेगा, नाइन, नाइन ए माइनस ट्वेंटी एट आई टू, ठीक है। इस तरह से ये हमें मिल गया। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिखा, ये तो अभी आपने देख ही लिया, ए फाइव सॉल्व करना था हमें उसी इक्वेशन को यूज़ करके। तो यहाँ पर क्या है, ए फाइव इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसको लिखने के लिए ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, ए क्यूब की वैल्यू भी पता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी सिक्स ए स्क्वायर, फिर उसके बाद फोर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्सटी थ्री आई टू और ए, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएगी, यहाँ से आपको मिलेगा जैसे थर्टी सिक्स। अब यहाँ देखो, इसमें ना हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हमने ना थर्टी सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, फोर ए सेवन आई टू और सिक्सटी थ्री ए वन हंड्रेड ट्वेल्व ए और प्लस, यहाँ देखो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले ही देखी, हमने क्या क्या है, हमें ए स्क्वायर फोर ए माइनस सेवन आई टू, ठीक है, यहाँ से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस इस ए स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया ताकि हमें सिर्फ ए की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमें ए की वैल्यू तो पता है तो हमें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ये आ जाएगा। इसके बाद में आपको पता है कि यहाँ पर क्या रखना है, ए रखना है, यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल आपको ए फाइव की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ए फाइव की जो वैल्यू है वो आपके पास कुछ ये आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपका कोई भी सजेशन है तो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आए हुए क्वेश्चन हैं और अगर आपको इनके आंसर सॉल्व नहीं हो पाते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं ताकि हम वहाँ पर सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।